नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। आज झारखंड विकास छात्र मोर्चा के परमंडलीय अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी, जो चैनपुर पलामू के निवासी हैं, जो पिछले कई वर्षों से दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके छात्र जिंदगी से ही समाज सेवा कर अपनी पहचान बनाई, आज दिनांक 7 फरवरी 2018 को अपनी अनुभव व राजनीतिक चेतना का उपयोग करते हुए बड़े ही सहजता के साथ समय के साथ बदलते राजनीतिक माहौल में आगामी आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर बेहतर समाज की कल्पना एवं खासकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। श्री भूपेंद्र चौधरी ने गीतांश टीवी को बताया कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूपेंद्र चौधरी पड़ेगा। तो आप झारखंड विकास मोर्चा छात्र मोर्चा के परमंडलीय अध्यक्ष हैं जी, आगे क्या कहना चाहते हैं? झारखंड विकास छात्र मोर्चा के परमंडलीय अध्यक्ष हूँ मैं, और अभी बहुत कम समय में हम आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। अकेले आप आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे या फिर कुछ लोगों के साथ लेकर के? मेरे साथ हमारे कमेटी के खास खास नेतागण भी रहेंगे, और वहाँ हमारे साथ हजारों लोग रहेंगे। क्या है आम आदमी पार्टी, आप ज्वाइन किस लिए करना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी अगर देखा जाए तो एक तरह से देश में बहुत अच्छी पार्टी है। दिल्ली में जो इसका कार्यरत है, जो कार्य है, बहुत ही अच्छी है। आम आदमी पार्टी के जो फॉर्मेंटली है, जो उसका कार्य है, उससे मैं प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्या आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, बात हुई है, बात भी हुई है, कई बार उन लोगों के साथ में बैठक भी हुई है। अभी 4 तारीख को बैठक हुई थी, यहाँ पे केंद्रीय संयोजक आए थे जिनका नाम राजन कुमार है,